सारों तो गुड चौरासी मॉर्निंग जीबे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही चालीस होंगे। में से सारो और क्या चल रहा है आपका इस सीज़न में? जैसे कि आपको पता है, मतलब कड़वा चीज़ खाना चाहिए और नीम का कुछ भी खाना चाहिए, वो जो नया नया पत्ता वो या फिर फूल, तो इसी वजह से फूल को बिछाया जा रहा है और इसको धूप में ऐसे सुखा के साल भर रखा जाता है। और इससे बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स भी बनते हैं। मैंने एक बार बना कर भी दिखाया था ना आपको, प्याज और बड़ी के साथ भुन के, तो वही हम लेके रख रहे हैं और धूप में सुखाना पड़ेगा 2 दिन। बहुत धूप है आजकल, तो आराम से सूख जाएगा। मैं मशरूम के साथ आज एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी जो राइस के साथ बेस्ट है एकदम। तो पहले मैंने मशरूम को तो भून लिया है और वो लोग थोड़े थोड़े मूढ़ी में, हम लोग मतलब मूढ़ी में खाए हैं, और थोड़ा है जो जिससे कि मैं सब्जी बनाऊँगी। बैंगन का इस तरह से काटा है और आलू को भी इसी तरह से लंबा लंबा काटा है। और कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गरम होने के बाद तेल में प्याज डालूंगी, इसी तरह से मैंने लंबा लंबा काटा है। प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा, इसके बाद मैं मसाला डालूंगी। घर में मैं बना के रखती हूँ लहसुन अदरक प्याज और जीरा और सूखी मिर्च, इसी का पेस्ट तो 2-3 चम्मच मैंने डाला है। और इसको अच्छी तरह से भून दूंगी। इसमें दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर। इसको मैं अच्छी तरह से भून दूंगी। मसाले को मतलब एकदम तेल जब तक नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगी, तो मसाला अच्छी तरह से हो जाएगा तभी तो स्वाद आएगा। यहीं पर ही डाल दूंगी मैं गरम मसाला, थोड़ा सा ही था वही, उसी को ही मैंने डाल दिया। और मसाले को पानी डालकर ढक ढक के पकाना है, और ये 5 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। इसके बाद देखिए मसाला कितने अच्छे तरह से हो के आया है। इसके बाद मैं डाल दूंगी बैंगन और आलू को, और थोड़ी सी नमक डाल दूंगी, मतलब सब्जी के अनुसार जो जितना खाता है घर में, तो नमक डाल के उलट पुलट करके ढक दूंगी। और ऐसे ही 2-4 बार करने के बाद देखिए क्या बनाती हूँ। अब हो चुका है बैंगन आलू, तो डाल दूंगी मैं मशरूम, और इसी के ऊपर ही डाल दूंगी मैं टमाटर को। टमाटर इन दिनों बहुत खट्टा लग रहा है, इसीलिए मैंने इसके बीज को थोड़े थोड़े निकाल दिए हैं, नहीं तो खट्टा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा चलेगा लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं चलेगा। और दे के मैं उलट पुलट कर दूंगी और पानी डाल के 1-2 बार उबलने दूंगी, मतलब ज़ोर से। इसके बाद फ्लेम को मैं लो मीडियम यहीं पर ही रख के ढक दूंगी। इसके बाद देखिए ये हो चुका है, बस इसको पानी डालकर थोड़ा सा ग्रेवी बनाना है। और इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, ये तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो राइस के साथ थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा खाने के लिए। और एक अच्छी वाली रेसिपी मैं बनाती हूँ, वो है ड्रमस्टिक के साथ। ड्रमस्टिक को मैंने इस तरह से काटा है और कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है। इस मस्टर्ड पेस्ट को मैंने जीरा के साथ सिर्फ ग्राइंड किया है और कुछ भी नहीं, क्योंकि एक तड़का जाएगा जिसमें मैं और अलग कुछ दूंगी मसाला, जिससे कि इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा हाफ ग्लास के आसपास मैंने पानी डालकर इसी में ही मसाला मैंने 1-2 चम्मच डाल लिया, और नमक डाल के हल्दी डाल के इसको ढक दिया था। बस इतना ही करना है, ढक देना है जब तक कि ड्रमस्टिक पक जाए। और ये देखिए पक चुका है, तो इसको मैं निकाल दूंगी। और एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर मैं डालूंगी लहसुन और सूखी मिर्च को कूट के, और इसका फ्लेवर ना भूनते भूनते आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा आता है। और इसको अच्छी तरह से मैं भून दूंगी। इसके बाद मैं इस ड्रमस्टिक जो बॉयल हो चुका है इसी को डाल के मैं सूखा सूखा बनाऊंगी। एक बार आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है।
हेलो गाइस, मैं जस्ट अभी खाना खा के आई। मतलब कैसा रहा है, यहीं पर बैठती हूँ। अभी वो जो मशरूम का करी था उसके साथ मैं रोटी खाई, क्योंकि कल का 2-3 रोटी था तो इसलिए मैं सोची कि राइस नहीं खाती हूँ, वो ही खा देती हूँ, क्योंकि रात को रहेगा तो ख़राब हो जाएगा ना इसीलिए। और बहुत धूप था इसीलिए मैं सोची कि पोखाड़ो खाऊँगी रात को, लेकिन अभी मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम अंधेरा कर चुका है और कहीं दूर से आवाज़ आ रही है लाइटिंग की, घुड़ घाड़ ऐसी। जैसे इधर से एकदम काला होके आ रहा है और धूप भी नहीं है, आप देख सकते हो। हल्का हल्का है क्योंकि अभी तो 3 ही बजा है ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा है, नहीं तो अंधेरा कर चुका है। देखते हैं, रोज़ ऐसे होके जा रहा है, जैसे ऐसा ही हो रहा है। बारिश तो नहीं हो रहा लेकिन ऐसे बादल गरजता है और ऐसे ही होके चला जाता है रोज़ ही। आसपास में बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन हमारे यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं है। गर्मी तो मतलब बहुत ज़्यादा, मत ही पूछिए। लेकिन वो कूटा देने के वजह से ना रूम बहुत ठंडा लग रहा है और मैं जलती हूँ ठंडे रूम में, थोड़ी सी रेस्ट लेती हूँ। हो चुका है, रूम बहुत ठंडा लग रहा है गाइस। सच में जिन लोगों का घर में एसी नहीं है वो क्या करेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे ना। तो कुछ हमारा ऐसा ही कुछ जुगाड़ है। तो आप लोग क्या करते हो गर्मियों के दिन, बताइएगा मुझे कमेंट में। और ये तो सो गया है, मैं भी थोड़ी सी रेस्ट लेती हूँ और मिलती हूँ आपको शाम को। एवरीवन, और अभी एक बड़ा सा बारिश होते होते रह गया, जोर से हवा चला। मैंने आपको दिखाया था ना, 3 बजे ही काला बादल होके रखा था। इसके बाद शाम को एकदम जोर से, एकदम अंधेरा हो गया और ज़ोर से हवा चला और मतलब बादल गया। बारिश भी नहीं हुआ लेकिन कहीं पर तो हुआ है यहीं आसपास, जिससे कि ठंडी हवा आ रहा है, मतलब बाहर मतलब ठंड हो गया, जिससे कि फैन चलने से अच्छा लग रहा है। लेकिन बारिश लगभग 6-7 महीने से नहीं हुआ है यहाँ पर, थोड़ा बारिश होता तो अच्छा होता ना। लाइन नहीं है, लाइन कट है, मतलब अंधेरा है, आप देख सकते हो। किसी के घर में भी लाइट नहीं जल रहा, मतलब बाहर एकदम अंधेरा। लेकिन तो बाबले का तो एग्ज़ाम शुरू हो गया है आज से ही, और ऑनलाइन हो रहा है, मतलब क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन में दे रहे हैं और घर बैठ के ही ये लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम। तो उसका पढ़ाई लगभग ख़त्म हो चुका है, बस देख लेता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं पढ़ाई के लिए नहीं बैठती हूँ। और मुझे अभी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, इसके बाद रात का वही खाना पीना, सब्जी रोटी। इन दिनों कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं रेगुलर नहीं वीडियो बना पा रही हूँ, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एक लाइक बनता है, और
जो लोग मुझे नए नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जानिए मेरे चैनल में आके कि क्या हो रहा है, क्या मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगेगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलते बोलते नेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है इसी वजह से। तो ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। देखिए क्या बनाया है, कितना अच्छा दिख रहा है ना पेन के सेंटर में। देखिए कितना अच्छा ऐसे रिंग 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 होके, जैसे चक्री होता है ना वैसा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टिकर या फिर कुछ और कुछ अलग हो सकता था, देखते हैं। और कुछ मेरे बेटे ने बनाया है, कितना अच्छा दिख रहा है। रिंग रिंग रिंग, वाह। और यहाँ पे चल रहा है बागी बागी थ्री ना, बागी थ्री, तो वही देख रहा है। मेरा तो हो गया है खाना, पोखाड़ बहुत अच्छा लगा, आलू भजा के साथ, आलू भजा के साथ। मुझे आलू भजा के साथ बहुत अच्छा लगता है, और नरम नरम हुआ था ना पोखाड़ो, तो अच्छी वाला हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। सबका खाना हो चुका है, ये भी खा चुका है, इसकी मुँह उतरा हुआ है। आज जो एग्ज़ाम था बहुत अच्छा हुआ है, और कल इंग्लिश है। आप मेरे बेटे को बेस्ट ऑफ लक कीजिए। और तो वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, बाय।